प्रश्नावली 5.4 देखते हैं, क्या कह रहा है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसे मैं मान लेता हूं y बराबर में e टू द पावर x और बटा में साइन x। यहाँ u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग जानते हैं u बाई वी का अवकलज x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा v का स्क्वायर नीचे और ऊपर आएगा du बटा में dx इंटू में v माइनस u को ऐसे लिख के dv बटा में dx। ये फॉर्मूला होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर में नीचे क्या है यहाँ v का स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर x du बाई dx, यानी e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन और इंटू में आपका साइन एक्स भी माइनस यू को वैसे ही रख देंगे ई टू द पावर एक्स और भी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, साइन एक्स ऐसे ही है माइनस ई टू द पावर एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे आपका क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा अंदर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन दो नंबर पे। क्वेश्चन नंबर